बरसी मना रहे हैं जी। हम एक साल होने के ऊपर बरसी मनाई जाती है, चाहे हमारे घर परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग एक्सपायर हो जाए और कोई हो जाए तो वो बरसी मनाते हैं ना, हम बरसी मना रहे हैं जी। एक साल हो गया हमारी दुकानों को तोड़े हुए। आज भाई साहब ये नारेबाजी आज इसलिए की जा रही है कि आज के दिन जो आज 31 मार्च की जो तारीख है, 31 मार्च एक साल पहले हमारी यहाँ पर 35-40 खोखों की मार्केट थी, जिसमें आदमी अपना गुजारा बसारा करता था। यहाँ पर मार्केट भी बनी हुई थी, सबका अपना अपना काम चल रहा था, गरीब परिवारों से थे वो सभी आदमी। तो आज हमारी दुकानों को तोड़े हुए एक साल हो गया है पूरा, तो उसकी बरसी मना रहे हैं जी हम। एक साल होने के ऊपर बरसी मनाई जाती है, चाहे हमारे घर परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग एक्सपायर हो जाए और कोई हो जाए तो वो बरसी मनाते हैं ना, हम बरसी मना रहे हैं जी। एक साल हो गया हमारी दुकानों को तोड़े हुए, आज तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ है जी। पता नहीं कितने आदमी आए, कितने नेता आए, कितने मंत्री आए, हमारे को सिर्फ आश्वासन दे के चले गए। अग जी आपकी आने वाले टाइम में हम जल्द से जल्द आपकी दुकानें दिलवाएंगे, आपका कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे, आपकी मार्केट बनवाएंगे। तो हम तो एक ही मांग करते हैं कि जी हमारी जल्द से जल्द, नगर पालिका के चुनाव भी थे उस वक्त जब हमारी दुकानें टूटी, तो हमसे हर आदमी यही एक वादा करके गया था कि जी नगर पालिका बन जाने दो और हम आपको जल्द से जल्द स्थायी दुकानें देंगे, इसके बारे में कह के गए थे। तो अब न तो वो कोई नेता है, न कोई अधिकारी इस चीज पे संज्ञान लेता है कि भाई जब 34-35 घर परिवार, गरीब परिवार उजड़ गए तो उनको कहीं ना कहीं बसाने का काम करें। पीछे अभी 2-3 दिन पहले की ही अखबार की न्यूज है भाई साहब, मैं इस चीज को तो अखबार के ऊपर लेकर बता रहा हूँ, मैं कोई मेरे पास से नहीं कह रहा हूँ। ये 28 तारीख की न्यूज है, 28 मार्च की दैनिक भास्कर की न्यूज है। इसमें पंचकुला में सेक्टर 9 की कोई रेहड़ी मार्केट थी, ये रेहड़ी मार्केट को तोड़ने का काम किया जा रहा था, तो वहां पर सीएम साहब ने संज्ञान लिया और तुरंत उनको मालिकाना हक देने का वो पत्र जारी कर दिया। आगे भाई हम इनको गरीब परिवारों से रेहड़ी वाले हैं, इनको हम तुरंत सफाई दुकान देंगे जिसमें उनकी रजिस्ट्री भी होगी। तो जब सीएम साहब हमारा वहां पर पूरा हरियाणा उनके लिए तो बराबर है, महेंद्रगढ़ और चाहे पंचकुला हो, एक साल होगी हमारे को यहाँ परेशान होते हुए। एक भाई का तो पीछे सी के बच्चा भी एक्सपायर हो गया, इतनी ज्यादा पैसे की मारामारी है। ये भाई है जी दुकानदार, उन दुकानों में इस भाई का बच्चा एक्सपायर हो गया अभी 5-7-10 दिन पहले, 14 साल का बच्चा था, उसको समय पर इलाज नहीं दिला पाए ये पैसे की कमी के कारण। तो इनका बच्चा भी एक्सपायर हो गया, इनके घर परिवार में कम से कम भी 7-8 बच्चे हैं जिनका भरण पोषण सिर्फ उसी दुकान से चल रहा था। तो हरियाणा सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि हमारी दुकानों का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए। आज एक साल हो गई, एक साल तक हमारा ये हाल है कि आगे और कोई अनहोनी दुर्घटना ना घटे हमारे साथ, हमें दुकानें दिलाने का काम किया जाए, चाहे हमें खोखे दिलवा दो, चाहे कोई सफाई दुकान दिलवा दो, कुछ भी दिलवा दो, लेकिन हमारा समाधान करवा दो जी। निवेदन ये है हमारा, शासन प्रशासन नेता मंत्री हमारी पैरवी कोई भी करे चाहे, बस शर्त ये है कि हमें हमारी दुकानें दिलवा दो। हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका पूरा हरियाणा एक है खट्टर साहब, हम आपसे भी निवेदन करते हैं, ये सारे भाई बेरोजगार है, इन सब के हक का आप हो, आप इसको संज्ञान में लो। महेंद्रगढ़ में ये बस्ती एक साल पहले उजड़ी थी, इन दुकानदारों को दुकान देने का काम करो या खोखे देने का काम करो, हमारा गुजारा बसारा चल जाए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हम जो आश्वासन देके गए थे, यहाँ बड़े बड़े नेता बोलते थे, वो अब दिखाई नहीं दे रहे क्या? वो कोई साथ नहीं आ रहा? नहीं, सब साथ आ रहे हैं, वो तो कहते भी हैं साथ आके, वो बेचारे सांत्वना देके चले जाते हैं, वो करे क्या? जहाँ पर वो अपनी मदद होती है वहां पर वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। अब जो प्रशासनिक कार्य है वो तो प्रशासन के हिसाब से ही होगा जी, नेताओं को तो सिर्फ कहना होता है कि जी ये हो जाएगा, अब वो चीज तो कागजी प्रक्रिया के अनुसार होगी जो होगी, वो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि मैंने भाई मैंने जबान से कह दिया कि ये काम हो जाएगा। नगर पालिका में प्रस्ताव भी हुए हैं, एक दो जो मीटिंगें हुई हैं उसमें प्रस्ताव भी दिया गया है, लेकिन हमारा तो कहना इस चीज के लिए है भाई साहब कि जो कागजी प्रक्रिया है वो कागजी प्रक्रिया पता नहीं एक साल में पूरी हो, 2 साल में पूरी हो, 3 साल में पूरी हो, जब तक तो हमें कोई टेम्परेरी खोखा वगैरह देके हमारा कोई समाधान निकाला जाए। अब कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रपोजल आया था, कॉम्प्लेक्स ना बने 10 साल भी, 10 साल तक तो ये 30 जने भी मिट लेंगे, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स बनाना अपने चहेतों के लिए।
ऑटो मार्केट में खोखे टेम्परेरी खोखे दरवा दो हमारे, वहां पर हमारा गुजारा बसारा चल जाए, ये दुकानदार अपना घर परिवार पाल ले, हमारी हमारा कहना ये है। वो तो भाई साहब कहते। नमस्कार जी, ऐसा है जी, प्रशासन के आगे किसका जोर चला है, पर प्रशासन को सोचना चाहिए कि हमारे मनड के साथ ही क्यों हर जगह विवाद होती है, जहाँ भी कहीं उजाड़ते हैं तो वहाँ बसाते हैं, हमें कोई विदेश से थोड़ी आए, हम भी यही हैं। शर्मा जी खूब आके हमें जूस पिला के गए थे जी, आपको जल्दी जल्दी चुनावों के बाद जगह दी जाएगी, कि वो भी करे कल परसों तो हम तो भूखे मर जाएंगे, फिर दुकान देना चिमत देना हमें। तो हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है मुख्यमंत्री साहब से भी, रामविलास शर्मा जी से भी, सबसे अगर हमें जल्दी से दिया जाए, हम बेरोजगार है, भूखे मर रहे हैं, मरने के तातार पे पूछ रहे हैं, कोई आने जाने का कोई सोच नहीं हमारे पास, भूखे तिसाई डोलते रहते, मर जाएंगे, फिर से मुड़ा के तो और मत दो, पर गरीब की बद दुआ मत लो, हम तो यही कहते हैं और कुछ से ज्यादा कुछ नहीं कहते।